हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मई यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू का अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन नंबर 41 से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्रेडिट टर्नओवर रेशो। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट क्रेडिट टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल इन द मंथ। पर्टिकुलर आपके पास दिया है, अमाउंट दिया है, क्रेडिट परचेज दिया आपके पास फॉर द ईयर 4,80,000 और क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिए हैं। ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपको पता होना चाहिए। व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज एट द एंड एंड इट इज इक्वल टू एवरेज क्रेडिटर्स। तो किस प्रकार से इसको करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नंबर 41 में हम सबसे पहले क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, आप सभी जानते हैं, एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल जिसमें हमारे पास, आप सभी जानते हैं, नेट क्रेडिट परचेज दी हुई है। एवरेज अकाउंट पेबल हमने निकालना है, तो एवरेज अकाउंट पेबल जो हम निकालेंगे, एवरेज अकाउंट पेबल के लिए हमारे पास एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हैं और प्लस बिल्स पेबल दिए हैं, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे पास दिए हैं 48,000 रुपीज, 48,000, और हमारे पास बिल्स पेबल दिए हैं 32,000। तो 32,000 में, क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है ये आपके पास दिए हैं 48,000 और 32,000, इनका आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया रुपीज 80,000। इसको दो से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग क्रेडिटर एट द एंड है, तो इसलिए उसके बाद हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट परचेज हमारे पास दिए है रुपीज 4,80,000 और हमारे पास एवरेज अकाउंट पेबल दिए हैं, निकाले हमने 80,000 रुपीज 80,000, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6 times। तो इस प्रकार से हमने निकाला जी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के बाद हमारे से पूछा है एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल, तो हम एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल निकालेंगे। तो एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल को निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल। एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल हमेशा बराबर होता है हमारा, आप सभी जानते हैं, डेज और मंथ इन ईयर, डेज और मंथ इन ए ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो डेज और मंथ इन ईयर आप सभी जानते हैं, साल में आपको पता है कि 365 या 360 दिन जो है, जनरली हम इसे 360 दिन सेंस को हमने मंथ में दिया है, तो हम इसको मंथ में निकालेंगे। तो डेज और मंथ इन ईयर का मतलब है 12 मंथ साल में होते हैं और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको 6 times दिया है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 2 months में। तो 2 months में हम क्रेडिटर्स की सारी पेमेंट कर देंगे। ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि हम अपने क्रेडिटर्स का भुगतान जो है वो कितनी अवधि के अंदर करते हैं। तो एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल को निकालने का मेन मोटिव यही होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अपने क्रेडिटर्स को आप कितने दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। तो 2 महीने के अंदर अपने आप सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद नंबर 42 में भी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है आपने। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज अकाउंट पीरियड पेमेंट पीरियड। नेट क्रेडिट परचेज आपके पास दिया है, क्रेडिट परचेज आपके पास दिया है 8 lakh, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए हैं। तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में सबसे पहले हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो बराबर होते हैं, आप सभी जानते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज यदि गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल जिसमें आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर नेट क्रेडिट परचेज दी है, हमने निकालना है एवरेज अकाउंट पेबल। तो एवरेज अकाउंट पेबल जो है वो बराबर होता है, एवरेज अकाउंट पेबल जो है वो बराबर होता है जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस
ओपनिंग बिल्स पेबल, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, डिवाइड बाय टू। तो ओपनिंग बिल्स पेबल आपके पास दिए हैं 1,60,000, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल आपके पास दिए 80,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए 1,60,000, प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए 80,000, प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल आपके पास दिए 32,000, और प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, क्लोजिंग बिल्स पेबल आपके पास दिए 48,000। इन सबको आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको आप दो से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आया 1,60,000 प्लस 80,000, 2,40,000 प्लस 80,000। दैट मीन्स की अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 3,20,000। तो 3,20,000 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया रुपीज 1,60,000। तो 1,60,000 जो आपके पास ये आ गया, ये आ गया आपके पास एवरेज अकाउंट, सॉरी एवरेज अकाउंट पेबल। तो एवरेज अकाउंट पेबल के बाद आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को आप निकालेंगे तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो बराबर होगा नेट क्रेडिट परचेज जो आपके पास गिवन है, दैट इज 8 लाख, और डिवाइडेड बाय आप सभी जानते हैं रुपीज 1,60,000। तो आप इसकी वैल्यू को जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जो आपके पास इसका आंसर आएगा। फिर आपने निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड, तो एवरेज पेमेंट पीरियड किस प्रकार से निकालते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है डेज और मंथ इन ईयर, डेज इन ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो डेज इन ईयर आप सभी जानते हैं साल में 365 दिन, 365 को आप जो है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो यानी कि 5 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 73 डेज। 73 डेज के अंदर आपको सारा का सारा पैसा जो है आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाला, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं, नेट परचेज दिए है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी रिजर्व और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो, डाउटफुल हो, उसको आप इग्नोर करते हैं इसके अंदर, आप इसको सिंपली करते हैं। तो कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने। नंबर 43 में हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो बराबर होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज आपके पास दी है, आपने एवरेज नेट परचेज आपके पास दी है, नेट परचेज में अगर आपके पास क्लियर इंडिकेशन है कि वेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन, इट इज इस क्वेश्चन के अंदर ये भी आपको पता है कि नेट परचेज दी हुई है, वेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन, नेट परचेज ही जो है वो क्रेडिट परचेज मानी जाएगी। हमने जो है एवरेज अकाउंट पेबल निकालना है, तो एवरेज अकाउंट पेबल जो है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू, एवरेज अकाउंट पेबल जो है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय टू। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं 15,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर आपके पास दिए हैं 45,000 डिवाइड बाय टू, दैट इज, दैट मीन्स कि ये आपके पास आया रुपीज 30,000 आपके पास आया एवरेज अकाउंट पेबल। फिर हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज मतलब है क्रेडिट, नेट परचेज ही क्रेडिट परचेज है, ध्यान रखना इस बात का। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इसलिए बार बार क्वेश्चन कराया जा रहा है कि ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज थी कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो आप इग्नोर करेंगे उसको आप बिल्कुल नहीं लेंगे, जैसे डाउटफुल डेट में डेटर की तरह भी आप इसमें नहीं लेते, तो इसमें भी आप नहीं लेते हैं, और इसको आप डिवाइड करेंगे 30 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 टाइम्स। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपको आएगा 12 टाइम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, नेट परचेज दिया है, हेयर इस क्वेश्चन में भी नेट परचेज ही दिया है,
परंतु नेट परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी दिया है और कैश परचेज भी दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी दिया है। इस क्वेश्चन में भी आप बहुत बड़ी कई बार मिस्टेक कर देते हैं। नेट परचेज आपके पास पहले ही दिया है, इसका मतलब परचेज रिटर्न इसमें बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, परचेज रिटर्न का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि नेट परचेज परचेज रिटर्न आपको दिया है यदि भी इसमें क्वेश्चन उलझाने के लिए, परंतु कैश परचेज दिया है। कैश परचेज से हमने क्या निकालना है, नेट परचेज में से हमने क्या करना है, हमने घटाना है परचेज कैश परचेज, तो हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज आएगी, परंतु परचेज रिटर्न को नहीं लेना है। साथ साथ में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी नहीं आपने लेना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, तो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। 44 क्रेडिट टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिट टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल जिसमें सबसे पहले आपको नेट क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी। नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू नेट परचेज माइनस कैश परचेज, नेट परचेज माइनस कैश परचेज। तो नेट परचेज आपके पास दिया है ₹3,60,000 और कैश परचेज आपके पास दिया है 60,000, तो आपके पास जो नेट परचेज आई वो आई जी ₹3,00,000, नेट क्रेडिट परचेज आपके पास आई 3,00,000। उसके बाद आपने निकालना है जी, ये आपके पास दिया 90,000, 3,00,000 में से आप 90,000 कटाएंगे, तो आपके पास जो ये नेट क्रेडिट परचेज आई आपकी, आपके पास आई ₹2,50,000, तो आपके पास जो कैश परचेज दी हुई थी वो 90,000 थी, तो इसलिए आपकी जो नेट क्रेडिट परचेज आई आपकी ₹2,50,000। उसके बाद आप जो है इसमें, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स ही दिए हैं, तो एवरेज अकाउंट पेबल जो है क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बराबर है, तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स ही एवरेज अकाउंट पेबल के बराबर हैं, तो एवरेज अकाउंट पेबल जो है वो बराबर है क्लोजिंग क्रेडिटर्स के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अर्थात इसको आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और ये आपके पास दिया है ₹45,000, तो आप इसमें फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज आपने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज ₹2,50,000 डिवाइड बाय ₹45,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 5 टाइम्स, वो आएगा आपके पास 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स जो है इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो इसका आंसर आएगा 6 टाइम। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 को याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में ओपनिंग क्रेडिटर्स, कैलकुलेट ओपनिंग क्रेडिटर व्हेन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, क्रेडिट परचेज इज 3,00,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर इज 60,000। तो हम इसमें ओपनिंग क्रेडिटर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे या क्वेश्चन करते हैं इससे क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल या एवरेज क्रेडिटर्स एक ही बात है। तो किस प्रकार से जो है एवरेज क्रेडिटर्स निकालेंगे या किस प्रकार से जो इसको निकालेंगे, तो हमारे पास क्रेडिट टर्नओवर रेशियो दिया है, ये दिया है जी हमारे पास 5 टाइम्स, हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज भी दिया है 3,00,000, तो हमारे पास एवरेज क्रेडिटर्स नहीं दिया है, तो हम एवरेज क्रेडिटर्स इसके बेस पे निकाल देंगे, तो एवरेज क्रेडिटर्स जो हम इसके बेस पे निकालेंगे, तो एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ₹3,00,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज ₹60,000। ये 60,000 जो आपके पास आया वो क्या है जी, एवरेज क्रेडिटर्स आपके पास 60,000 आया। तो आप सभी जानते हैं कि आपने जब क्या निकालना है,
ओपनिंग क्रेडिटर्स निकालना है, तो एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला होता है, एवरेज क्रेडिटर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय टू। तो ओपनिंग एवरेज क्रेडिटर्स हमारे पास दिए हैं, हमने निकाल लिए हैं, दैट इज 60,000, और ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कैलकुलेट करने को बोला है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को मान लो हम एक्स मान लेते हैं, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास 60,000 दिए हैं और डिवाइड बाय टू, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आप करेंगे एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमने क्या किया यहां पर भी लेट ओपनिंग स्टॉक भी एक्स है, लेट ओपनिंग क्रेडिटर्स भी, अगर आपको यहां क्लियर ना पता लग रहा हो तो आप यहां लिख भी सकते हैं लेट ओपनिंग क्रेडिटर्स भी एक्स, तो आपने एक्स मान लिया ओपनिंग क्रेडिटर्स को। तो इस प्रकार से एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला लिखा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय टू, तो आपने एक्स इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 60,000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसके बाद जो है आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स जो आए, जो आपको पूछे थे कि ओपनिंग क्रेडिटर्स किस प्रकार से निकालते हैं, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ₹60,000। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 45 था। तो ये हमारे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के थे क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।